बत्रा में जुड़े सभी लोगों को अंकित बत्रा का सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका आने वाला साल कैसे रहने वाला है। अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है, आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पैदा हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड बहुत सारी चीजें आप सीखोगे कि आपका कैसा आने वाला साल रहेगा। तो ये वाला जो साल है वो आपका कैसे रहने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये वाला साल आपका ओके रहने वाला है, बहुत अच्छा साल नहीं रहने वाला है। कमर्शियली एंड हेल्थ वाइज दिस इज ओके ईयर, बहुत अच्छा साल तो ये नहीं है आपके लिए, ओके। लेकिन फिर कैसे अच्छा बनाए वो भी डिस्कस करते हैं, और क्या अच्छा नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं, है ना। सो ये बेसिकली जो साल है वो आपका जो है वो एक्सपेंसेस आपके ज्यादा होने वाले हैं, तो एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल रखने हैं। एक्सपेंसेस कैन बी मोर इन दिस ईयर। इसके साथ साथ हेल्थ के अंदर आपको स्टमक, डाइजेशन, ये इश्यूज आ सकते हैं, स्टमक के, डाइजेशन के, है ना। और आपको थोड़ी किधर से इधर इंजरी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, कहीं चोट लग गई, ये सब इश्यूज आपके लिए आ सकते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस के अंदर आपको क्या दिक्कत आएगी कि आपके एक्सपेंसेस बहुत होंगे, मैंने बताया आपको कि एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होने वाले हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के अंदर आपको पार्टनर हो सकता है इतना एडजस्ट ना करे आपका, तो आपको इशू आए उसके साथ क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ये साल आपको फैमिली के टाइम स्पेंड करना है, और आपको प्राणायाम करना है या फिर लेट इट गो की हैबिट लेके आनी है। इसके साथ साथ आप बहुत सारी रेमेडीज इस साल कर सकते हो, जैसे कि आप जो है वो लक्ष्मी माता का आह्वान कर सकते हो, गणेश जी को रेगुलरली लड्डू चढ़ा सकते हो, और वेडनेसडे के दिन ग्रीन पहन सकते हो। ये सारी चीजें इस साल आप कर सकते हो, आपको बहुत सूट करेंगी। इसके साथ साथ जो है आपको रेगुलरली सुंदरकांड पाठ पढ़ना है, या फिर आप बैकग्राउंड में चलते हुए छोड़ दीजिए, और आपको रेगुलरली हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। अगर आप एक बार रिचुअल कर पाओ इस साल, कैसा ये रिचुअल होगा, ये रिचुअल होगा अगर 21 दिन तक लगातार आप हनुमान चालीसा पढ़ पाओ, तो ये एक ऐसा रिचुअल भी आप कर सकते हो। सो यू कैन डू दिस हनुमान चालीसा रिचुअल, यू कैन डू द सुंदरकांड पाठ, यू कैन डू दीज थिंग्स, जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, यू कैन डू द गणेश जी रिलेटेड रेमेडीज, यू कैन डू द माता लक्ष्मी आवाहन। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपके लिए ये साल जो है वो अच्छा जाने वाला है। कमर्शियल सक्सेस में दिक्कत आएगी, तो आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने और लर्निंग बेस्ड बिजनेस पे जाना है, जिसके अंदर लर्निंग ज़्यादा हो, या फिर आप कुछ लर्न करो इस साल नया, तो वो लर्न करने में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जो है वो आपको अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे क्या लगा लेना है, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे या तो हनुमान जी की फोटो लगा लो, या फिर 9 रेड रोजेज की फोटो लगा सकते हो। सो 9 रेड रोजेज की फोटो लगा सकते हो, या फिर आप जो है वो हनुमान जी की फोटो लगा सकते हो। सो ये ब्यूटीफुल टिप है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, आपको ध्यान रखनी है, जो आप कर सकते हो इस साल, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है ना। सो आप जल्दी से नीचे आ रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो कोर्सेज में जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके साथ साथ जो है हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई होप ये वाली सारी टिप्स मान के आप आने वाले साल को जो है लकी बनाने वाले हैं अपने। वैसे आपको जो है वो इस साल में करियर, मनी और हेल्थ इश्यूज जो है वो आते रहेंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, ओके। इसके साथ साथ जो है वो आप सन के ऊपर रेगुलरली वाटर भी चढ़ा सकते हो, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा अपकमिंग ईयर। सो सभी बतरन वर्ल्ड जुड़े सभी लोगों को बहुत 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 आने वाले नए साल की ब्लेसिंग्स। जुड़े रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।